तू इंसान हो ना, मेरे लिए कूलर नहीं दे रहा था और इन बच्चों को अभी बोल रहा कि कूलर में रखो। अभी बकरियों के साथ रहना है, खाना है, क्या किया जाए। कूलर दे दिया तो उसमें मुर्गी का बच्चा रखवाता है, तो उसमें बकरी का बच्चा रखवाता है हमारा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हूँ मैं सऊदी अरब मजरा में और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ का नज़ारा। और मैं चल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, कल एक बकरी बच्चा दे दी और मैं तो यहीं पे था और ध्यान नहीं दिया फ्रेंड्स, बहुत गलती काम हो गया होता। और 1 घंटे तक वो धूप में ही रह गए सब। और इस टाइम फ्रेंड्स, मई, ये देखिए जून का महीना चल रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे धूप हो रहा है। हो सकता है इसके आगे भी और भी धूप हो आगे चल के। तो बच्चा कल एकदम मतलब उसका तबीयत खराब हो गया था, मैं देखा नहीं। उसके बाद कपिल को बुलाया तो तुरंत दवा ववा ला करके पिलाया, तो उसके बाद उसको पानी पिलाया गया, दूध पिलाया गया, तो भी सही है। और आज बोल दिया है कि ऐसा उसको ले जा करके अपने रूम में रखो और रूम में रख के कूलर चालू कर दो। एक समय था कि मैं कूलर मांग रहा था तो नहीं दे रहा था, अभी देखिए कूलर उसके भी काम आ रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी था मैं मजरा में काम कर रहा था, देखिए ये इतना दूर मैं काट दिया हूँ घास और काटने के बाद साफ कर दिया हूँ। ये लोग तंदीप बोलते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए ये 2 लाइन भी काट दिया हूँ, साफ कर दिया हूँ यहाँ से लेकर के वहाँ लास्ट तक। यहाँ आधा बाकी था तो आधा मैं आज साफ किया हूँ। और ये थोड़ा भी टाइम हो रहा है, यहाँ पे 8 बज रहा है। और यहाँ देखिए थोड़ा बरसीन काट लिया हूँ, लेके चल रहा हूँ फ्रेंड्स, उन बच्चों को भी दे दूंगा। और उन बच्चों को नहीं जो कल पैदा हुए हैं, जो उससे पहले के थोड़ा बड़े हो गए बच्चे, उनको दे दूंगा। और ये देखिए यही सब मैं साफ कर रहा था, यही सब मजरा का काम होता है भाई। और इसमें देख सकते हैं आप लोग, पानी खोल दिया हूँ ऐसे बूंद बूंद करके, पानी देखिए निकलता रहता है पाइप से। तो चलिए लेकर चलता हूँ, वहीं पे दिखाऊंगा बच्चे को और कैसे रखना है रूम में, क्योंकि रूम में रखूंगा तो ये भी डर है कि रूम पूरा खराब कर देंगे वो लोग। उसमें मुझे खाना खाना है, रहना है, सोना है, खाना बनाना सब मतलब उसी में करना है। तो चलिए कोई जुगाड़ लगाऊंगा और दिखाऊंगा आपको भी कैसे रखूंगा उन लोगों को। तो पहले मैं इसको ले लूँ फ्रेंड्स, ये जो बरसीन है, ताकि बच्चों को दे दूंगा। जो पुराने बच्चे हैं वो अंदर बंद है सब, वो लोग खाएंगे और वहीं पे आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी आ गया हूँ, बरसीन उर्सीन रख दिया हूँ, यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, रख दिया हूँ। ये चढ़ के खड़ा हो गया, ये देखिए ये चढ़ के खड़ा हो गया इस पे, इधर देखिए और ये बहुत बड़ा भेड़ा है फ्रेंड्स, इससे हमेशा डर लगता है। क्योंकि एक बार ऐसे, ये देखिए ऐसे मैं पकड़ के ऐसे बैठा था, एक वो पकड़ पकड़ के मतलब ऐसे खड़ा था, मैं देखा नहीं कि पीछे ये है, और पीछे से ऐसे आकर के मारा कि मैं वहां पे 2 कलैया खेल गए। बोलता नहीं है, ऐसे दौड़ा करके मारता है, और जब भी इसको मारना होगा ना तो 4 कदम पीछे लेता है, उसके बाद दौड़ के मारता है। तो अभी रख दिया हूँ और चलिए आपको दिखाता हूँ कि किसमें रखूंगा फ्रेंड्स बच्चों को और कैसे लेकर चलूंगा, उसी अरबिया में लेके चलूंगा उन लोगों को और आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ देखिए इन बच्चों को एक बार देख लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं कैसे हैं ये सब, सही सलामत है कि नहीं। हाँ सही सलामत है सब, ये इनक्यूबेटर से जो निकले थे वही वाले बच्चे हैं फ्रेंड्स। अभी 6-7 दिन बाद फिर दोबारा दूसरे वाले बच्चे निकलेंगे सब। इन लोगों का इसी में खाने पीने का सारा व्यवस्था हो गया है और पानी वानी का सब व्यवस्था हो गया है। तो ये देखिए मैं व्यवस्था ले लिया हूँ, ये यही लेके चलूंगा रूम पे, इसी में रखूंगा उन लोगों को। और चलिए बच्चों को दिखाता हूँ फ्रेंड्स। कल मेरा कफील बहुत मतलब डांट लगाया था, और मेरा गलती नहीं था फिर भी मुझे डांट लगाया था उसने, क्योंकि मैं उधर से बार बार अगर आऊंगा देखने के लिए ना, तब भी वो बोलेगा कि ले संताला तू रो रो रो, ले संताला तू रो। मैं हमेशा आता हूँ तो हमेशा कहाँ पानी पीने भी तो आने नहीं देता। आप लोगों से बताता हूँ कि मैं डब्बे में पानी लेके आता हूँ फ्रेंड्स, मैं मजरा में जाता हूँ इसी डर के मारे, तो मुझे बोलने ना लगे कि बार बार जाता है पानी पीने। ये देखिए बच्चे, कल इनका तबीयत खराब हो गया था फ्रेंड्स, तो इन लोगों का मतलब मैं देखा नहीं। और ये इसे छाया किया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, ये छाया किया हुआ, और इसके अंदर बच्चा दे दिया और ये चली गई थी उधर धूप में, और धूप में बच्चे भी थे वहीं पे सब लेटे हुए थे। तो मैं उसको बुलाया तो आया, वो इन लोगों को पता नहीं कौन सा दवा हुआ पिलाया और दूध पकड़ कर हम लोग पिलाने लगे। उसके बाद देखिए अभी दोनों सही है, बढ़िया है सब फ्रेंड्स। अक्सर यहाँ पे ऐसा होता है ना कि कई बार ऐसा मैं सुना हूँ, और मतलब जो पुराने लोग हैं वो भी बताते हैं कि यहाँ पे जब गर्मी का मौसम आता है ना, तो ये अक्सर बकरियाँ जब बच्चे देती है तो मर जाते हैं सब, गर्मी की वजह से, इतना ज्यादा गर्मी है।
ये तो अभी बच गए सब, इन लोगों को मैं लेके जा रहा हूँ अपने रूम में, उसमें कूलर चलाऊंगा, और हो सकता है कूलर चलाऊंगा तो ये लोग सही रहेंगे। और वही देखिए, मैं तो इंसान हूँ ना, मेरे लिए कूलर नहीं दे रहा था, और इन बच्चों को अभी बोल रहा कि कूलर में रखो। ऐसी बात है भाई, इस दुनिया पे हर प्रकार के लोग हैं, क्या किया जाएगा। अभी कूलर दे दिया तो उसमें मुर्गी का बच्चा रखवाता है, तो उसमें बकरी का बच्चा रखवाता है, हमारे रूम में सब कुछ उसी में अभी रखवाता है। और पहले बोल रहा था मैं तो इंसान हूँ ना, मुझे भी बोल रहा था कि नहीं दूंगा। तो मैं अभी कैमरा फ्रेंड्स क्लोज करना पड़ेगा, मैं अभी लेके चलूंगा उस रूम में, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि इन लोगों को उठा रहा हूँ तो उठा नहीं पा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी लेकर आ गया हूँ रूम में, और यहाँ दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए ये रूम में लेकर आ गया हूँ। मैं पहले बोला फ्रेंड्स कि नहीं, रूम में नहीं रखूंगा, और ये लोग खराब कर देंगे रूम, इसी में खाना बनाऊंगा खाऊंगा। तो बोलता है कि नहीं, चल रखा बनता गुरफा, तो ला करके रख दिया हूँ, क्या किया जाएगा, यही जिंदगी होता है फ्रेंड्स। मजरा में बकरियों के साथ रहना है, खाना है, क्या किया जा सकता है। अक्सर अभी तो मेरा देखिए बकरी का रूम वो है और मेरा रूम ये है, तो थोड़ा दूरी पे है, लेकिन देखता हूँ खास करके लोग साथ में ही बना देते हैं यहाँ पे, कई जगह पे मैं देखा हूँ। और ये लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए, सोचता हूँ कि ये लोग खराब कर देंगे सच में रूम हमारा, तो इसके अंदर रखता हूँ इन लोगों को इसके अंदर। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे रूम में मतलब कूलर चल रहा है, अभी दिक्कत नहीं है, इन लोगों को मतलब गर्मी नहीं होगा। और ये अभी टाइम हो रहा है, ये देखिए 8, 8:30 हो रहा है फ्रेंड्स टाइम, और 8:30 बजे रखूंगा। वो बोला कि शाम को इकट्ठा 4 बजे निकालना, तो मुझे लगता है कि अभी दूध भी बेचारा नहीं पिया है, देखिए पेट खाली लगता है इसका, और मैं दूध भी पिला रहा था इसको पकड़ करके, तो ये दूध भी नहीं पी, मैं उठा कर लेकर चला आया, अगर नहीं लाऊंगा तभी बोलेगा मुझे। बढ़िया रूम पूरा ठंडा है, ये देखिए रख दिया, लेकिन ये लगता है कूद के निकल जाएंगे सर, ये देखिए इतने बड़े हैं सर, तो इसी में बैठाऊंगा, इसमें बैठा करके फ्रेंड्स ऊपर से लकड़ी रख दूंगा, आपको दिखाता हूँ, ये भी लेकर आया हूँ साथ में, ये रख दूंगा ऊपर से, देखता हूँ उन लोगों को दिक्कत नहीं होता इससे। ये दिक्कत तो हो ही रहा है, ये देखिए बैठ जा बैठ जा बैठ जा, ऐसे छोड़ देता हूँ इन लोगों को। और फ्रेंड्स अभी बनाऊंगा खाना, इसमें बनाऊंगा चावल, और ये कल का सब्जी है मेरा, कल शाम को बनाया था मैं भिंडी का सब्जी, ये देखिए अभी खाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा मजरा में। अभी किसी तरह से आलू आलू का टेंशन छूट गया है फ्रेंड्स, हमारा जो कफील आया था तो मीट भी दे दिया है, आप लोगों को दिखाया था मैं पिछले वीडियो में, देखिए अभी मीट भी दे दिया है। और मजरा में भी जो भिंडी लगाया था वो भिंडी अभी फलना स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स, यहाँ दिखाऊंगा आपको, ये देखिए तोड़ के ला के रख दिया हूँ। और फ्रेंड्स अभी ये जो 2, 4, 1, 2 ऐसे अंडा दे रहे हैं सब, तो अंडा भी नहीं लेके जाता है, अंडा भी दे देता है, बोलता है कि अभी मतलब अंडा ज्यादा नहीं दे रहे हैं सब, जब 8, 10 लेकर दे रहे थे सब तो सब मतलब उठा ले जा रहा था, 2 देता था, 2 अंडा तो बहुत है मेरे लिए, बहुत ज्यादा है, उसमें से मैं पूरा नहीं खा पाता था। अरे धीरे धीरे मान लीजिए अगर जोड़िए 2 2 अंडा तो 30 दिन का 60 अंडा हो जाता है ना, तो भी मैं नहीं खा पाता था। और ये देख रहे होंगे आप लोग इतना धूप है फ्रेंड्स, धूप की वजह से मैं पूरा आंखें खोलने में दिक्कत हो रही है, जैसे चक 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 करने की तरह मतलब लग रहा है, जैसे नहीं कहते हमारे उत्तर प्रदेश में कि वो चकचोनी लग रहा है, उसी तरह से लग रहा है। तो अभी 8 बज रहा है, बताइए इतना ज्यादा है, वह सब कर दिया हूँ, अभी खाना खाऊंगा, नाश्ता नहीं करता हूँ, सुबह सुबह मैं खाना खा लेता हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद शाम को खाना खा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो मेरे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।